हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेस्टर्न बैडमिंटन एकेडमी। मेरा नाम है भव्य महाजन और आज मैं आपको कुछ ऐसी फन गेम्स बताऊंगा जिससे आपका टच, प्रेसिजन और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट फन गेम है नेट ड्रिबल। इस गेम में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इस गेम में आपको करना क्या होता है। इस गेम में हमें नेट बेस लाइन के आगे जो हमारी सर्विस लाइन भी होती है उसके आगे खेलना होता है हमें इस गेम में, और इसमें हमें सिर्फ नेट पे ड्रिबल करनी होती है शटल। इसमें एक रूल होता है कि हम नेट पे शटल को टैप नहीं मार सकते ना फिर हम उसको किल कर सकते हैं, बस हमें नेट पे उसको ड्रिबल करना है या फिर हम उसको क्रॉस कोर्ट खेल सकते हैं शटल से। इसमें आप चाहे तो साइड गैलरी इन भी रख सकते हैं, साइड गैलरी आउट भी रख सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें हमारा जो मेन मोटिव होता है गेम को खेलने का वो सिर्फ यही होता है कि हमें नेट पे हमारी जो नेट पे ड्रिबल करने की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आप नेट पे शटल को क्लोज रख सकते हैं, इस गेम में हमारी प्रैक्टिस होती है। और आफ्टर ऑल अगर ये फन गेम है तो इसको खेल के हम मज़े भी कर सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड फन गेम है वो है चाइनीज सिंगल। अब इसमें जैसा कि आपको देख रहा होगा कि हमें इसमें सिर्फ साइड गैलरी में खेलना होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे हम साइड गैलरी में कैसे खेल सकते हैं, पर इस गेम में यही है कि हमें साइड गैलरी में ही खेलना है। इस गेम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें जितने भी बैडमिंटन में हम स्ट्रेट शॉट्स खेलते हैं, चाहे वो स्ट्रेट स्मैश हो, स्ट्रेट टॉस हो, स्ट्रेट ड्रॉप हो या स्ट्रेट ड्राइव हो, कोई भी स्ट्रेट शॉट हो बैडमिंटन का, इससे वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर आपने शॉट मारा और वो हल्का सा भी उसकी लाइन टेढ़ी हुई तो वो आउट हो जाएगी, तो इससे आपका जो स्ट्रेट शॉट है वो बहुत जल्दी उसकी इम्प्रूवमेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो ये गेम स्ट्रेट, कोई भी बैडमिंटन का स्ट्रेट शॉट हो वो खेलने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हमारी थर्ड फन गेम है बॉक्स गेम। तो बॉक्स गेम में सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका प्ले एरिया क्या होता है। इसमें जो हमारा प्ले एरिया होता है वो होता है जो हमारी बेस लाइन के आगे का एरिया है वो हमारा आउट होता है, साइड गैलरी आउट होती है और पीछे की बैक गैलरी आउट होती है। इसमें जो हमारा प्लेइंग एरिया होता है वो सिर्फ बीच में जो हाफ कोर्ट बॉक्स है वो होता है। इस गेम का जो मेन बेनिफिट है वो ये होता है कि इसमें हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। रिएक्शन टाइम एज इन, जैसे आप नेट पे जब खेलते हैं तो नेट पे जो हमको एकदम से रिएक्शन जो हमें करना होता है, एकदम से शटल आती है तो हमें उस पर एकदम से रिएक्ट करके उसको खेलना होता है शटल को, तो वो चीज़ जो होती है वो हमारे इस बॉक्स गेम से इम्प्रूव हो जाती है। स्पेशली जब हम डबल्स खेलते हैं, डबल्स में क्या होता है, जब हमने देखा होगा जो प्लेयर आगे नेट पे खेल रहा होता है आगे फ्रंट में, वो क्या करता है कई बार बीच में आपने देखा होगा शॉट में इंटरसेप्ट कर देता है, बीच में रैली चल रही है और बीच में एकदम से
आके इंटरसेप्ट करके शटल को ख़त्म कर देता है या किल कर देता है। तो वो जो चीज़ होती है वो होती है बॉक्स गेम से जो इम्प्रूव होती है, वो जो बीच में जो उसका रिएक्शन टाइम होता है या जो रिफ्लेक्सेस आप कह सकते हो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इस बॉक्स गेम से इम्प्रूव होते हैं। तो ये चीज़ बेनिफिट होता है बॉक्स गेम खेलने का। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बैडमिंटन से रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। और अगर आपको हमारे अकेडमी से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग वीडियोज देखनी हो या हमारे चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखने हो तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें जरूर फॉलो करें। थैंक्स।